सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपने पृथ्वीराज चौहान का तो नाम सुना ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, कहानी, जीवन परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम था। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज में 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला था और उसे कई सीमाओं तक फैलाया था। परंतु अंत में वे राजनीति का शिकार हुए और अपनी रियासतें हार बैठे हैं। परंतु इनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक इनकी कमी कभी भी पूरी नहीं कर पाया है। पृथ्वीराज को राय पिथौर भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेकों गुण सीखे थे। उन्होंने पहले बाल्यकाल में ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था और पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित एक फिल्म भी आपके सामने आ चुकी है और जिसमें पृथ्वीराज चौहान का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं। आपको अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जानना है या उनके बीच ऐतिहासिक में कि शासक में क्या हुआ था उनके साथ, तो आप फिल्म देखिएगा पृथ्वीराज चौहान, जिसमें किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है। तो हम आपको बता देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की कुछ जानकारी, मोस्ट जानकारी आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी का पिताजी का नाम था सोमेश्वर, उनकी माताजी का नाम था कपूरी देवी, भाई छोटे थे हरिराज थे और बहन प्रथा छोटी थी इनकी बहन, और जो उनकी पत्नी थी वो तेरह पत्नियां थी। बेटे का नाम उनका गोविंद चौहान था और बेटी उनकी कोई नहीं थी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड पुराने काल की वीडियो अगर आपको जाननी है या न्यू अपडेट्स आपको जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।